बोला मैंने, पहले बाकी एंटिटी गमश्की से लूट करके रोटेट तो कर जाएगी, कोई खास दिक्कत मुझे लगता है पहले सर्कल में भले ना हो, क्योंकि गॉडलाइक भी आपको हल्का नीचा दिखेगी और विंड गॉड भी आगे बढ़ देगी, बट दूसरे सर्कल से दिक्कत शायद हो सकती है। ये आइकोसोल ने पोजीशन जो चेंज करी है थोड़ी दिक्कत भरी मुझे दिख तो रही है, दो प्लेयर्स आपको यहाँ पर डाउन होते दिखे, बट एंट्री काफी तगड़ी की जाएगी और प्रयास किया जा रहा है समापन करने का, बट क्या वो कन्फर्मेशन आते दिख जाएंगी। एस पावर एस पावर एस पावर, वो ग्रेनेड चलती दिख रही है, जरूर से कूदते दिखें खिलाड़ी भी, रिबाउंड करके उन ग्रेनेड्स का कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे। नकुल है, एस पावर है और सुबह पावर जब तक है मुझे लग रहा है चीजें बदल सीख सकते हैं। जी हाँ, लीजिए एस पावर टू द रेस्क्यू, एक अच्छा कनेक्शन और कन्फर्मेशन निकालने का प्रयास भी रहेगा, बस अपने साथियों को बचाना है और कोशिशें एस पावर उसकी भी करते दिखेंगे। बट ये जो एरिया है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आसपास जो आपको हल्के हिल्स दिख रहे हैं वहां से बहुत बुरी स्पेस पड़ती है। बट लीजिए एचपी काफी कम किया उस खिलाड़ी की, मौका रहेगा कि यहाँ रिवाइवल किया जाए, और जी हाँ बिल्कुल रिवाइवल और रीसेट मिलता दिख सकता है अब यहाँ से। बिल्कुल ज्यादा जोखिम कुछ होगा नहीं इंस्टेंटली, मुझे पता है आगे जाएगा एक सेफ एरिया पे जाकर उनको रिवाइवल दिया जाएगा। बट इस बार टीम जीरो, देखिए शायद कह सकते हैं जो कारनामा टीम एक्स पार्क के अगेंस्ट पे करके दिखाया था, इस बार क्या इस बार टीम जीरो के अगेंस्ट पे हो सकता है कि नहीं। ग्रेनेड की वॉर चल चुकी है, रॉनी को रिवाइवल देने की प्रक्रिया भी शायद नजर आए, शायद होगी होगी। जी हाँ रिवाइवल हो चुका है, माने सही मौके की तलाश में जरूर, बट खुल जाएंगे जरूर, दोनों को ही निकाल दिया जाएगा, रॉनी को भी रिवाइवल मिल जाएगा, दूसरी बार नॉकआउट जरूर है, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट नंबर्स का डिसवांटेज है माने के बारे में तो बिल्कुल भी शायद अंदाजा नहीं होने वाला, टीम जीरो को आए जरूर है, लेकिन क्या टीम जीरो अभी के लिए रिटेलिएशन काफी बेहतर है, निंजा शॉट है जरूर, एक उम्मीद बनी रहेगी, बट पंप एक्शन है तो उतना बेहतर वेपन नजर आएगा नहीं, और लग रहा है कि शायद निंजा शॉट का बचना भी काफी मुश्किल, एक संभव सा टास्क, बट एक नाइस ट्राई फॉर द टीम जीरो स्पेशली निंजा जॉट। बट यहाँ तो हम कह सकते हैं पहली जीत टीम आइकोसोल अपने नाम दागे, लेकिन आप ये देखेंगे टीम आइकोसोल अभी के लिए टीम के ऊपर हावी होते नजर आ रही है, गुजरात टाइगर्स भी अभी के लिए वही स्थिति में फंस रही है, कोशिश कर रही है कि नॉकआउट खिलाड़ी को अगर रिवाइवल मिल जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन जी नहीं टायर बस भी करे जा रहे हैं, वो एक सी निकलना अभी के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी छोर पर अगर हम बात करें वेंट गॉड की भी एक भिड़त टीम आइकोसोल के अगेंस्ट पे, बट अभी के लिए रिटेलिएशन जरूर चल रहा है, चलेंगे उस फाइट की तरफ, क्या मैक्स इस बार हो पाएगा, पड़ला भारी हो पाएगा, लेकिन जी नहीं एक और टीम की समाप्ति, टीम आइकोसोल क्या तूफान है ये सलाब हर किसी को। ए, टीम्स एंटर करेंगी बट वहीं अभी भी आपको सर्कल का वो सारा का सारा एरिया खाली दिख रहा है, रुझवाक से टीम अगर एंटर करना चाहे बड़े आराम से जा सकते हैं, पर भाई ऊपरी रोटेशन निकालनी पड़ेगी टीम आइकोसोल इस फाइट को अब खत्म कर दिखेगी। 11-12 फिनिशेज हो चुके हैं, एक बेहतरीन प्रदर्शन टीम आइकोसोल के द्वारा आपको चलता दिखा है, ओवरऑल आप देखिए तो नकुल मान्या इन दोनों की तरफ से वो 4-4 फिनिशेज, पावर के द्वारा 3, एक बढ़िया बैलेंस, और वापस घूम फिर के स्कूल अपार्ट्स के इलाके पे आ चुके हैं, घर पे आ चुके हैं वापस से, देखना यह है कि कितनी देर तक और भगा के रखने वाले इस खिलाड़ी को और क्या समापन आता देखेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, दोनों प्लेयर्स आ गए अब तो सामने, अब तो एक मौका है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि रॉनी वो वैल्यू यहाँ पर निकालते दिखे। चेस गेम तो काफी तगड़ी, बट वो वहीकल कहीं तो रुकेगी और जहां रुकेगी वहां पर उतरते दिखे खिलाड़ी और चेस करना चाहेंगे। ट्रॉय चलते जा रहे, व्हाट कितना स्मूथली ट्रॉय ने भी निकाल दिया, देखिए ये मैं तो नहीं कर पाता इतना स्मूथली, पारा फ्रैग्स, इसीलिए तो देखिए सदा जी आप यहाँ हैं, वो प्लेस प्रोफेशनल सर्किट में अभी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और ये रेस कब खत्म होगी, कब समाप्त होगी, रॉनी भी सोच रहे होंगे चलिए अब तो आ जाइए यहाँ पर 91 की फाइट, डीबीएस वर्सेस डीबीएस की बैटल चाहेंगे, चेजिंग चल रही है, चेजिंग अभी भी नहीं रुकते नजर आने वाली है, लेकिन रॉनी ने अब सोच लिया है, ठान लिया तो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं जितना भी फर्स्ट फ्लोर, और मोलोटॉव ये काफी एक स्मार्ट डिसीजन कि अगर प्लेयर को रोकना है मोलोटॉव लगा लीजिए, लेकिन रॉय थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आपके ऊपर एचपी बहुत कम है, बेशक आप अकेले खिलाड़ी अभी के लिए नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए अब रॉय मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, क्लच अगर आ जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, टाइम के ऊपर बहुत बात निकाला, दूसरा कनेक्शन भी जाने वाला था, लेकिन जी नहीं एक नाइस ट्राई टीम एंटिटी के स्ट्रॉय के द्वारा, बट टीम आइकोसोल 14 फ्रैग, आज का दिन देखिए रिजल्ट कुछ भी रहे टीम आइकोसोल को बस फ्रैग से मतलब है, अगर हमारी बात अगर हो भी जाती है उनसे उनका क्लियर फंडा है, क्लियर कट उनका यही रहेगा कि हम बस फ्रैग्स के लिए खेल रहे हैं, जहां पर भी फाइट्स होगी हम जाएंगे जरूर, और अब मान्या अब निकल रहे हैं और भी टीम्स की तरफ, तो शायद अब नेक्स्ट क्या पता टीम मेडल के अगेंस्ट पे, बट मैं जरूर देखना चाहूंगा, हर कोई देखना चाहेगा कार्निवल गेमिंग वर्सेज आइकोसोल, क्योंकि इन दोनों टीम्स की शुरुआत काफी बेहतर रही है, और मेरे ख्याल से इस फाइट के लिए एक्साइटेड सदा जी आप भी होंगे बहुत। मैं तो देखिए हमेशा एक्साइटेड हूं, जब भी फाइट्स होती है मैं सबसे पहले तो कि यस फाइट्स लीजिए, बट टीम आइकोसोल जब लेती है तो कुछ ज्यादा ही फ्रैग्स निकाल लेती है, और अभी तक 14 फ्रैग्स हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, और टीमें बची हैं अभी लॉबी के अंदर, प्रयास किया जाएगा कि थोड़े और फिनिशेस अगर आ सके
आंदो कोई दिक्कत नहीं है, मेडल आपको पोटैटो हिल के अराउंड दिख रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल, पोटैटो हिल का वो इलाका रहेगा। और पीछे टीम मारू के खिलाड़ी भी आतंकी दिख रहे हैं, मुझे वेरॉन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सर्कल है। और इस सर्कल को देख के मुझे फिर वही बात याद आ गई कि वाटर सिटी कोई टीम क्यों नहीं जाती आजकल। अंडरस्टैंड कि वो नई रेजेस का एडिशन आपको वहाँ पे देखा जरूर से, बट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद था वाटर सिटी का ड्रॉप। सीजी को देखिए ऊपरी छोर से रोटेट कर रही है, कोई खास दिक्कत होनी नहीं वाली बिकॉज पूरा एरिया खाली है। बट एस पावर की वो नेड हंटर को करेगी डाउन और यहाँ पर हंट करने के लिए और आगे बढ़ती है रोनी। मोलोटोव का एक अच्छा कनेक्शन हंटर का वहाँ पर भी आपको देखेगा, एक और नेड रोनी के द्वारा चलती दिखेगी। अब मुझे लगता है यहाँ से टीम आइकूस वो लॉबी बचे सारे फिनिशर्स अपने नाम पे बटोरना चाहती है। देखिए हमने ना औरंगजेब की तारीफ करी थी कि अभी तक का रिकॉर्ड मैक्सिमम फ्रैग चिकन का रिकॉर्ड है टीम ओजी के पास, वो है 25 फ्रैग का। 17 फ्रैग यहाँ से हो चुके हैं अपार्ट फ्रॉम टीम आइकूसोल। अभी भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उनके अलावा 16 खिलाड़ी जीवित हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब मार्कोस गेमिंग मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ से। बेशक आज चिकन जरूर निकाला है, अच्छा है, बट जेन के बारे में क्या उनको अंदाजा है, जरूर उठने वाले हैं, वेट करेंगे। और एक और फ्रैग, 18वां फ्रैग टीम आइकूसोल। ये कैसी फोर्स है, ये कैसी आंधी है, जो भी दिख रहा है सबको ही समेटते चली जा रही, सबको ही उड़ाते हुए चली जा रही है। कौन सी टीम रहेगी जो इस तूफान को रोक पाए? देखिए अभी तो 5 टीम, इनके अलावा और 4 टीम बची हुई है, तो जरूर कमाल। बट अभी के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि वो खिलाड़ी नॉकआउट और कंफर्म ना आ जाए, क्योंकि टू बैटी टीम आइकूसोल स्पॉट कर चुकी है। और जी हाँ, इसी मच अवेटेड फाइट को इंतजार कर रहे थे, पीछे खींचा गया, सही वक्त पे आ गए। अगर वो बग्गी हटाते नहीं तो शायद वो धमाके से हो सकता था अक्षत नॉकआउट। और अक्षत वो खिलाड़ी है जो अभी के लिए MVP की रेस में सबसे ऊपर चल रहा है इस पर्टिकुलर मैप में। अब देखना ये चाहूंगा कि WSB क्या पहले कार्निवल गेमिंग को यहाँ पर रोकती है या फिर दूर बैठी टीम आइकूसोल से फाइट लेती है, क्योंकि यहाँ से निकलना अभी के लिए बहुत जरूरी हो चुका। अगला एक मिनट काफी क्रूशियल है कार्निवल गेमिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं कि वो एक मिनट जो है वो अपना बना पाएंगे या नहीं, वो 60 सेकेंड जो आप कह रहे हैं वो अपने लिए यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं। कार्निवल गेमिंग भी देखिए 14 फिनिशेज है, क्या हो रहा है लॉबी? जब भी ऐसी टीम्स की बचती है ना कि एग्रेसिव टीम्स बचे, कार्निवल गेमिंग 14 फिनिशेज इनके पास आ चुके हैं। अक्षत ने 7 फिनिशेज, अक्षत वाला वो एक्चुअल फॉर्म वापस आ चुका है अक्षत का। और टीम आइकूसोल वो भी अच्छे खासे फ्रैग्स निकाली थी। टीम WSB एग्रेसिव टीम है, अभी आई डोंट नो कितने फ्रैग्स एक्चुअली अभी लेके चलती दिख रही है टीम, बट ये तीनों ऐसी टीम है ना जिनको भिड़ते देखने में मजा बहुत आने वाला है। लास्ट की वो बैटल अपने आप में काफी अमेजिंग है ना, आई एम रियली श्योर कि आप भी वेट करेगा इसका। बट गेम जो 5वें स्टेज में ये बैटल क्या आपने एक्सपेक्ट की थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका रीजन है ये दो टीम, या कारण है ये दो टीम, नहीं काफी दूरी से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अपने साथियों को भी बता दिया गया कि सामने से टीम कार्निवल गेमिंग का जत्था निकल रहा है, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना बहुत जरूरी है। बट ध्यान देना पड़ेगा टीम आइकूसोल को कि WSB भी है, क्या उनके लिए रुका जाएगा? क्योंकि सर्कल के बाहर नॉकआउट होने का मतलब है कि आप अपने साथियों को बचा नहीं पाएंगे। वैसे मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर फाइट एक 4v4 की देखने को मिले तो मजा काफी कुछ आएगा। बट WSB कभी भी रास्ते काटा बन सकती है, वो आखिरी खिलाड़ी जो अभी आखिरी तो नहीं बट वो अकेला खिलाड़ी जो अभी के लिए मुझे नजर आ रहा है शायद अपनी टीम के साथ रीजॉइन करने वाले हैं। जी हाँ, एक तरफ टीम के पास वो 14 फ्रैग, हम एक बार देखना चाहेंगे आइकूसोल का पर्सपेक्टिव भी, पता चल पाए कि उनके कितने फ्रैग्स यहाँ से एड ऑन हो चुके हैं, क्या वो 20 का आंकड़ा उन्होंने टच करा है कि नहीं। क्योंकि अगर आंकड़ा अगर टच हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि शायद एक और रिकॉर्ड कायम होता नजर आ जाए। बट WSB सर्कल के अंदर पहुंची है, ओपन से तो बिल्कुल भी मत आइएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं उनके लिए। बट ये मुकाबला इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा ये शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब चलिए, टीम कार्निवल गेमिंग जब सर्कल के एक्सेस उनको मिल चुका था तो अब वो भी परेशान करने की कोशिश करेंगे टीम आइकूसोल को। करीब तो कोई भी अभी के लिए जाना नहीं चाहेगा, लेकिन सर्कल का एक्सेस फिलहाल के थोड़ा सा दूरी पर है, तो मेरे ख्याल से हाइट एडवांटेज के लिए ओमेगा जरूर ऊपर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से कोशिश करेंगे कुछ रैंडम स्प्रे, बट हाँ बुलेट्स काफ़ी लिमिटेड है तो सोच समझ के आप फायर कीजिए, क्योंकि बाद में अगर बुलेट्स नहीं पड़ी नहीं बची तो फिर मुश्किल है किसी ना किसी एक टीम की हो जाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि दोनों ही टीमें इंतजार कर रही हैं, सुकून से बैठी हैं। और इतनी फाइट्स होने के बाद आप सुकून कैसे दिखा सकते हैं जब इतना एग्रेशन दिखा दिया? 18 फिनिशेज कार्निवल गेमिंग के पास भी आपने देखे थे, अच्छे खासे फिनिशेज, और इतने फिनिशेज लेके अब दोनों ही साइड से टीमें चुपचाप बैठ गई हैं। अब जब सर्कल मूव करेगा, जब टीमें ओवर पिक करेंगी, जब लोग क्लोज आएंगे तब देखा जाएगा, वरना तब तक हम शांत रहेंगे। बट अगर ये ओपनली दौड़ लगाएं, ओपनली मूव करें, और अगर कार्निवल गेमिंग थोड़ी सी स्प्रे देने की कोशिश करें, शायद एक आधा नॉकआउट मिल सकता है। लेकिन अगर वो ओपन पिक करते हैं तो खिलाड़ी पीछे कवर देने के लिए बैठे हैं, जो से रॉनी की व्हीकल देखिए, इसी चीज़ की बात की ना, डैमेज बहुत तगड़ा हो चुका है, यहाँ से दिक्कत होगी। बट लीजिए, एक सेफ ब्रैकेट में पहुँचने में सक्षम रह भी जाएंगे। WSB वो क्या कर रहे हैं, इन सारी रोटेशंस को देख रहे, बट गोलियां नहीं दागी जा रही अब तक।
बट जो भी है, देखिए वाइट कोई भी ले रहे हो, लेकिन कार्निवल गेमिंग के पास अच्छा एक्सेस बना हुआ है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बट WSB ने भी थोड़ा जोखिम उठाया, उन्होंने सोचा कि चलिए हम तो जाएंगे बिल्कुल बीचों बीच, पहुंच जाएंगे, होल्ड करेंगे। और अब इतना ज़्यादा वैल्यूएबल इन्वेंट्री के साथ छः ग्रेनेड, चार चार ग्रेनेड्स, मतलब मुझे लग रहा है लगभग अगर मैं एड ऑन कर दूंगा सबके ग्रेनेड्स को, लगभग 20 तो ग्रेनेड्स होंगे होंगे। और अब एक आर्टिफिशियल रेड जोन बहुत ही जल्दी बनता नजर आएगा। चलिए, जो एक लॉन्ग रेंज की फाइट थी, अब बहुत क्लोज रेंज पे बनती नजर आ सकती है कार्निवल गेमिंग। चलिए यार, रॉनी को करेंगे नॉकआउट, मारने की तरफ से नियो का किया जाएगा नॉकआउट, बहुत ही मच अवेटेड फाइट है। बट नकुल को ध्यान रखना है, WSB भी बहुत करीब है, जी हाँ, उनको भी ध्यान रखते चलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में नहीं फंसना है, सैंडविच में नहीं फंसना है। लेकिन ये क्या, कार्निवल गेमिंग एक एक करके धाराशाही हो रहे खिलाड़ी, तीन प्लेयर्स नॉकआउट होते नजर आएंगे। तो अब अंडरडॉग नंबर टू यानी गॉब्लिन, अपने आप को हील अप कर लीजिए, रिवाइवल की तरफ जाइए, आगे कोशिश कीजिए। और मुझे लग रहा है सबका फायदा, जिसने पूरी तरीके से एक तरीके से हम बात करें, बट ये धमाका, ये क्या, मैं पॉज हुआ था कि चलिए अब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, बट लग रहा है कि सब कुछ मेहनत जरूर की गई इन टीम के तो